अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एसआई हेयर टिप्स। आई होप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल खवातीन को प्रेगनेंसी में, डायबिटीज का। आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया सुफियान, वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड। डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्रेगनेंसी में बहुत सी खवातीन को ये इशू होने लग गया है, इसकी क्या वजह है और ये क्या है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी? ठीक है। देखिए, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी बेसिकली इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, कि ये खास किस्म की डायबिटीज़ होती है, यानी जिसे आम अल्फाज में शुगर के मरीज़ कहा जाता है। लेकिन ये आम मरीजों की तरह नहीं होती है, डायबिटीज होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती है, पूरी प्रेगनेंसी चलती है और प्रेगनेंसी के बाद ये खत्म हो जाती है। वो पर्सन यानी कि वो फीमेल जो है वो आमतौर पर नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो सिर्फ उसे ये इशू प्रेगनेंसी में आता है। अब ये क्यों आता है, इसकी क्या वजह है? बेसिकली बात ये है कि नॉर्मली जो इंसुलिन का फंक्शन हमारी बॉडी में है वो है कि वो शुगर का आम जैसे कि जो शुगर जो है उसको हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंचाना। अब जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऑब्वियसली उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। माँ ने अपनी नशोनुमा के साथ साथ बच्चे की भी नशोनुमा का ख्याल रखना है, तो बच्चे को जो चाहिए, बेबी की रिक्वायरमेंट जो है, उसके लिए बॉडी की सर्कुलेशन में उस न्यूट्रिशन का, उस चीज का होना ज्यादा जरूरी है जो उसको चाहिए। तो इस दौरान क्या होता है कि बॉडी के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से इंसुलिन भी ज्यादा हो जाती है। तो इंसुलिन के ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज होती है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा कि किसी को डायबिटीज है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, या कैसे एक इंसान को अंदाजा होता है, स्पेशली फीमेल्स को इस कंडीशन में? जी, इसका अंदाज़ा ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हम जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि उसके सारे सीबीसी लेवल, उसके बीएसआर, शुगर लेवल कराना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इसका अंदाज़ा मदर को खुद नहीं होता अंटिल अनलेस के डॉक्टर को वो टेस्ट में आते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर कोई पानी का जैसे ऑटिक फ्लूड का लेवल ऊपर नीचे हो जाना या कुछ इस तरह। इसमें इतने खास सिम्टम्स आते नहीं है कि मदर खुद नहीं पता चल सकता कि उसको है। इसमें हम क्या करते हैं कि 6 मंथ के अराउंड जो WHO की रिकमेंडेशन है, यानी 24 to 26 वीक्स के अराउंड, हम क्या करते हैं कि मदर का एक टेस्ट कराते हैं, सो GTT हम लोग कहते हैं। उसमें 75 ग्राम जो ग्लूकोज है उसका एक पैकेट होता है, जो पानी में डिजोल्व करके उसको पिलाना होता है, 1.5 ग्लास का पानी के अंदर। जी डॉक्टर मारिया, अगर प्रेग्नेंट मदर को डायबिटीज है तो उसके बेबी पे क्या इफेक्ट हो सकता है इस चीज का? जी, इसमें ये एक बात है कि नॉर्मली जब हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि जब कोई किसी का बेबी जो हेल्दी हो या ऐसा, तो वो कहते हैं जी हमारा बेबी तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्दी है, यानी एक्स्ट्रा की बात करें 3 kg से अबव हो जाए जो कि एक नॉर्मल है, तो 4 to 5 kg का हो जाए तो वो जी माशाल्लाह हमारा बच्चा तो बड़ा हेल्दी है, गोलू मोलू से, इस तरह से। इस चीज को एक जहन में रखने की जरूरत है, इस बात को कि यानी कि नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा जो ग्रोथ है तो वो डायबिटीज के मदर्स के जो है वो उनके फिटस में, यानी उनके बेबीज में होती है। तो एक तो ये बात कि इनका साइज, ये माशाल्लाह जिस्मानी तौर पर काफी सेहतमंद होते हैं, इनका साइज जो है नॉर्मल से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर ये किसी को नहीं पता तो उसको फौरन ये बात में आनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ है तो इसमें मतलब है कि मदर को डायबिटीज तो नहीं थे, होता नास्ता, इसको मॉनिटर करना। दूसरा ये कि इन मदर्स में खुदा नास्ता अबॉर्शन के बहुत ज्यादा चांस, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ है तो उनमें जो है ना अबॉर्शन काफी ज्यादा इन लोगों में पाया जाता है। दूसरा, इसके अलावा एक होता है कि सडनली बेबी स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, जो कि डेथ की तरफ कॉज कर देती है। एक बहुत ही सैड थिंग होती है कि ऑल ऑफ द सिस्टम सडनली स्टॉप, ये सडन होता है, इन मदर्स में ऐसे होता है। इसके अलावा मदर पे इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये इसकी डिलीवरी के साथ प्रॉब्लम बड़ी एसोसिएटेड होती है, कि ये बच्चा नॉर्मल, इनके ऐसा नहीं कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इनको नॉर्मल डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ज्यादातर चांसेस इनमें सी सेक्शन के होते हैं। वेट की वजह से और ऐसा इसके होता अलावा कोई किसी ये वेट की वजह से भी होता है और मदर का सिस्टम भी साथ है, क्योंकि डायबिटीज आपके हर सिस्टम पे इफेक्ट करती है, तो उसमें काफी सारे हार्मोनल इम्बेलेंस इसमें, क्योंकि हार्मोन जो एक नॉर्मल
तीनों ट्राइमेस्टर्स में डिफरेंट किस्म के हॉर्मोन्स हैं जिनका लेवल रेज करना या किसी का फॉल करना जरूरी होता है. तो इस टाइम पे अगर हॉर्मोन ही आपका वो लेवल नहीं मेंटेन कर रहा तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती. तो इस तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं मदर और बेबी दोनों में. सही. और मदर पर क्या और इफेक्ट हो सकता है, मदर की अपनी हेल्थ पे, उसकी साइकोलॉजिकल फिजिकल जो उसकी हेल्थ है? जी, इसमें यह है कि मदर पे ये इफेक्ट आ सकता है कि जैसे डायबिटीज़ के बाकी सारे पेशेंट में इफेक्ट आता है कि डायबिटीज़ एक बेसिकली मल्टी सिस्टम डिजीज़ है कि सर से लेकर आपके पैर तक इफेक्ट करेगी, आपके सिस्टम में, आपके स्किन पे, आपके आईज पे, चेस्ट, लंग्स, किडनीज, सबको ये डैमेज कॉज कर सकती है. तो उसी तरह ही मदर पे किसी भी सिस्टम पे उदाहरण से इसका इफेक्ट आ सकता है. और मेजर जो प्रेगनेंसी में हम एसोसिएट जिससे हम ज़्यादा वो केयरफुल होते हैं वो ये कि नॉर्मल डिलीवरी और सेक्शन. अगर नॉर्मल डिलीवरी बेबी स्टक कर जाए ड्यू टू साइज या हॉर्मोन इम्बैलेंस तो सी सेक्शन का ज्यादा चांस होता है. फिर सेक्शन में भी डायबिटिक अगर मदर है, अगर उसके बाद भी इसका लेवल कंट्रोल नहीं हो सकता, वैसे तो हो जाता है, अगर नहीं होता तो फिर वो ज्यादा वूंड हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, जख्म भरा है नहीं भरा, उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस ना हो जाए, तो इस किस्म के इफेक्ट जो है वो मदर में आ सकते हैं. अच्छा, और इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट आप क्या देते हैं? जी, आज मतलब मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ लोग इस चीज में लोगों को बहुत डिमोरलाइज करते हैं कि अगर देखें ये प्रेगनेंसी एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है कि इसमें आपकी बॉडी को खुद नहीं पता होता कि आपकी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है. सिस्टम कुछ कुछ राइज एंड फॉल्स आते हैं, टर्न्स आते हैं कि मदर को खुद भी पता नहीं होता, तो लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. जैसे हमारा एक ये टैबू है कि अच्छा इसको ये शुगर हो गई है, इसको ये हो गया है. तो ऐसे पेशेंट को हमारे मुआशरे में डिमोरलाइज करना बहुत ही आसान है. ये हमारी औरतें जो है या कोई भी लोग डिमोरलाइज करते हैं ऐसे में, सबसे पहले तो मदर को जो है ना डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए. अगर वो खुद नहीं हो रही तो आप उसको पुश नहीं करें इस तरफ कि वो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. तो इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है और इलाज भी सिंपल है. यानी कि स्टार्ट हम करते हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी मॉडिफिकेशन से करते हैं कि मदर का लाइफस्टाइल, उसको डिजर्ट्स वगैरह मीठी चीज़ों से परहेज करवाना है हमने, उसको स्टार्ट करना है हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, वॉक उसको कहना ज़्यादा करें, अपना जो है ख्याल रखे हर लिहाज से, हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे अपनी मूवमेंट से रिलेटेड हो, वहां से हमने स्टार्ट करना है. फिर हमने क्या करना है, इसका मेडिसिन पे आना है. ठीक है, मेडिसिन जिसकी टैबलेट फॉर्म में, ओरल फॉर्म में अवेलेबल है. अगर जी जी अगर ओरल फॉर्म में नहीं, जी जी जैसे आपने डेजर्ट्स की बात की तो उसमें जो नेचुरल और ऑर्गेनिक स्वीट्स हैं जैसे डेट्स हैं या कुछ भी ऐसा हनी है, क्या वो चीज ले सकते हैं? जी देखिए, एक लेवल अगर मदर के कंट्रोल हो रहे हैं ना, तो जैसे हनी और जो है ये डेट्स, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. यानी कि एक नेचुरल, ये एक ऑर्गेनिक चीज़, ये तो मदर की जो है उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेंगे. लेकिन अगर किसी का यानी कि ऐसे डेंजर जोन में है कि हम उसको कंट्रोल करें इंसुलिन से, मतलब लाइक इंजेक्शन वगैरह से कंट्रोल कर रहे हैं और इस तरह, तो फिर उसमें मतलब ये एक आ जाती है चीज़ कि अदर वी शुड डू इट और नॉट. तो अगर उसका लेवल कंटिन्यूसली हाई जा रहा है तो फिर हम हर चीज़ से उसको परहेज करा देंगे. अगर तो ये कि उसका लेवल में हम मेंटेन कर सक रहे हैं तो किसी एक लेवल पे एक आध खजूर दे देना. यानी हमने बिल्कुल हाइपोग्लाइसिमिक कंडीशन में भी मदर को नहीं रखना कि बिल्कुल लो शुगर हो जाए. उसको बीच में हमने कुछ ना कुछ मीठा शुगर लेवल मेंटेन तो करना है ना बच्चे के लिए, उसमें वो हल्की फुल्की सी ले ले, लेकिन ये कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल गाइड के साथ, ऐसे नहीं. सही. अच्छा, आप बता रही थी कैप्सूल टैबलेट्स के अलावा भी और ट्रीटमेंट है जैसे इंजेक्शंस और? हाँ जी, फिर हम उसके बाद हम जाते हैं टैबलेट फॉर्म पे, मतलब मेडिसिन पे. उसके बाद अगर उसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंजेक्शन फॉर्म में. यानी फुली कंट्रोल्ड डिजीज हो जाती है, पॉसिबल है इसको कंट्रोल करना. और डाइट के लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन से इसके पे गाइडलाइन लेते हैं, डॉक्टर इसका रेगुलर चेकअप करते हैं, पेशेंट इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल कंट्रोल्ड डिजीज इसको करना पॉसिबल है. ठीक है, एक लास्ट में क्वेश्चन ये है कि जिन खवातीन को प्रेगनेंसी के थ्रू आउट 9 months या तीनों ट्राइमेस्टर में ये इश्यू रहता है और काफी हाई लेवल पे आप उनको डोज देते हैं और सारी चीजों को देखकर कैसे वो कंट्रोल करें, क्या बाद में भी आफ्टर डिलीवरी भी उनमें ये इंक्लिनेशन रहते हैं, उनकी बॉडी में ये चांसेस होते हैं, रुझान होता है कि वो उनको दोबारा से होगी या उस टाइम वो उसी पीरियड में खत्म हो जाती है? ये स्टक हो गया डायबिटीज. जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि डायबिटीज जैसे आप इलाज करते. हेलो, ये स्टक हो गया मारिया. ओके, डॉक्टर मारिया जी. हेलो जी,
जी जी मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि डायबिटीज जी ये स्टक हो गया आपका, इसको रिपीट कर लो, हेलो। ये स्टक हो गया। अच्छा हेलो, आवाज नहीं आ रही? ठीक है अब आ रही है मुझे, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी नहीं आ रही? आपको मेरी नहीं, अब आवाज मुझे नहीं आ रही? नहीं, ओके अब आ रही है। अच्छा अब आपको आवाज आ रही है मेरी। हेलो जी 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 अब आ रही है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस अगर किसी खातून को थ्रू आउट 9 मंथ्स यानी 3 ट्राइमेस्टर ये इश्यू रहता है, आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, क्या डिलीवरी के बाद भी उसके अंदर ये चांसेस होते हैं यानी डायबिटिक रहने के, या कि वो ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट के बाद? ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो प्योर जो पेशेंट है जेस्टेशनल डायबिटीज वाली, जिसको सिर्फ डायबिटीज प्रेगनेंसी में होती है, तो उसको उसका बिल्कुल जो कंट्रोल और मेडिकेशन है वो सिर्फ प्रेगनेंसी की हद तक रहेगा। प्रेगनेंसी चलिए अगर खत्म हो गई है तो उसके बाद जो है उसको कोई ना सिम्टम्स आएंगे, ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, ना उसको हमें मेडिकेशन देनी पड़ेगी। एक वो पेशेंट है जो पहले से ही डायबिटिक है, उसको जो है उसके जो सिस्टम चल रहा है, उसकी मेडिसिन चल रही है, वो उसको फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जो जेस्टेशनल प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है प्योर, उसको जब भी प्रेगनेंसी आएगी उसको सिर्फ तभी ये प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। लास्ट में आप हमें क्या, हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए ताकि उनकी किसी भी किस्म की बीमारी है, स्पेशली चूंकि हम डायबिटीज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जी उसकी जी इंडिकेशन हो सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, प्लीज। जी आज का टेक होम मैसेज हमारा यही है कि सबसे पहले वी शुड सपोर्ट सपोर्ट ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स, आइदर उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम करने का या मैसेज देने का ये मकसद है, यहाँ पे हम यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको इशू ना बनाएं, आप उसको कोई टैबू ना बनाएं कि ये हो गया है ये हो गया है, ऐसी बात नहीं है। एक पेशेंट के अपनी विल पावर फर्स्टली दैट मैटर्स, अपनी विल पावर से मदर जो है अपना नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल कर ले, उसकी वजह से ये सारे मेजर्स ले, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखे, अपनी बॉडी की केयर करे और प्रॉपर योगा एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखे, ठीक है, जो माइल्ड टू मॉडरेट हम प्रेगनेंसी में एडवाइस करते हैं, उसके स्टार्ट से ठीक है लेकर डॉक्टर के रेगुलर चेकअप तक, उसकी शुगर वगैरह, उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनिस्ट के प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं डाइट की, उसके कंट्रोल से लेकर प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं और उसके बाद आप एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया सुफियान, आपकी आमद का और इतनी इम्पोर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन और टिप्स और ट्रीटमेंट बताने का शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम। नाज़रीन, आई होप के आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।